हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 68 हमें क्या कह रहा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी क्यू आर स्टूड एट ₹2 लाख, ₹1,50,000 एंड ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्वेश्चन में बता रखा है कि पी क्यू आर तीन पार्टनर है जिनकी कैपिटल बता रखी है ₹2 लाख है, ₹1,50,000 और ₹1 लाख रेस्पेक्टिवली है। यहाँ पे एक और बात बता रखी है, आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो आपको अमाउंट गिवन है, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इसको आप ओपनिंग कैपिटल मत मानिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि ऑलरेडी एडजस्टमेंट इंक्लूड है किसकी, ड्राइंग की और नेट प्रॉफिट की। आगे बता रखा है, इट वाज सब्सिक्वेंटली असर्टेन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वाज नॉट टेकन इन अकाउंट व्हाइल अराइविंग एट द डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ पे ये बता रखा है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया गया है डिविजिबल करते समय प्रॉफिट को। आगे बात की कह रखी है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 2019 हैड बीन पी ₹5,000 पर मंथ, क्यू ₹15,000 क्वार्टर एंड आर ₹30,000। ड्राइंग बता रखी है आपको पी क्यू और आर की। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड 1,80,000 एंड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। आगे आपको प्रॉफिट बता रखा है 1,80,000 का है, नेट प्रॉफिट बता रखा है, पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, 2:2:1 पे शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री पास करनी है और साथ में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता करना है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और साथ ही ये बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर ही नहीं किया गया, विदाउट कंसीडरेशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अमंग द पार्टनर 2:2:1 में, जो कि गलत कर दिया गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट होता ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए था, बट इन्होंने क्या करा, जो 1,80,000 है इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे, जब ओपनिंग कैपिटल पता कर लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें पता चल जाएगा। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है पी क्यू आर की, पी की कितने गिवन है ₹2 लाख, क्यू की कितने गिवन है ₹1,50,000 और आर की क्लोजिंग कैपिटल हमें जो गिवन है वो ₹1 लाख है। ये सब मैं कहां से लिख रहा हूँ, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से नोट डाउन मैंने करा है। इसमें आप लेस कर दीजिए क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट इन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना, उसको आपको क्या करना है, आपको लेस करना है। तो 1,80,000 को रेशियो आपको गिवन है 2:2:1, इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट करा था इन्होंने, तो ये मेंशन कीजिएगा। 1,80,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 72,000 आ जाएगा। 1,80,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो क्यू के कॉलम में भी 72,000 आएगा, और 1,80,000 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो ये 36,000 आर के कॉलम में आएगा। तो इससे आपको लेस करना है, ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था 2:2:1 में, तो ये आपने पता कर लिया। अब माइनस करने पे जो बैलेंस होगा आपके पास, पी के कॉलम में 1,28,000, क्यू के कॉलम में 78,000 और आर के कॉलम में 64,000 होगा। इसमें अब ऐड करनी है आपको ड्राइंग आपको ऐड करनी है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। पी की ड्राइंग है 5,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 60,000 होगा। क्यू की ड्राइंग है 50,000 पर क्वार्टर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 होगा। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए ये प्रीवियसली दिया नहीं गया था, अब ये देना होगा, मतलब कि अब हम एडजस्ट करेंगे इसको। तो इसका मतलब 1,80,000 में से 42,000 माइनस करेंगे हम, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 1,38,000। तो 1,38,000 को ही हम पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारा नेट प्रॉफिट था। जो 1,80,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो आप ये देख रहे हैं 72,000, 72,000, 36,000, ये इनकरेक्ट है। अब करेक्ट वाला आपको पता चल जाएगा, अभी आगे हम बताएंगे कि करेक्ट प्रॉफिट क्या होगा, जो कि 1,80,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, जो कि 42,000 है, माइनस करने पे 1,38,000 होगा, जिसको आपको 2:2:1 में डिवाइड करना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कुछ जनरल एंट्री पास करने के लिए भी क्या रखा है, तो जनरल एंट्री करेंगे हम, आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो जनरल एंट्री में बेसिकली चार जनरल एंट्री पास करेंगे हम। पहले जनरल एंट्री होगी, जो पहले प्रॉफिट इनकरेक्टली हमने डिवाइड कर दिया था पार्टनर को, उसको एडजस्ट करना है। तो प्रीवियसली जो हमने इनकरेक्ट डिवाइड कर लिया था, वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया ओपनिंग कैलकुलेट करते समय। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 मेंशन करके क्या एंट्री लिखनी है आपको, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हम कौन सी जनरल एंट्री कर रहे हैं, ये जो इनकरेक्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था उस
को कैंसिल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है उस टेबल में जिसमें हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था ना, उसमें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो पी का जो प्रॉफिट था वो 72,000 था, क्यू का भी 72,000 था, आर का 36,000 था, क्रेडिट साइड आ जाएगा आपका टोटल करके 1,80,000 को। इस प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया था अमंग दी पार्टनर विदाउट गिविंग दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एडजस्टमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट प्रॉफिट कैंसिल, तो इस प्रॉफिट को तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं था। तो पहली एडजस्टमेंट आपकी, पहले जर्नल एंट्री आपकी ये होगी। दूसरे में क्या क्या करेंगे, कौन से जर्नल एंट्री करेंगे हम, दूसरे में जर्नल एंट्री करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने कैलकुलेट किया है ना अभी, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था ओपनिंग कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 था, अब तीनों को प्लस करेंगे तो 42,000 आएगा। पी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 18,800 का, क्यू को 13,800 का और आर को 9,400 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ये कैलकुलेशन भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें नरेशन लिखेगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 42,000, तो 42,000 डेबिट साइड, 42,000 क्रेडिट साइड, नरेशन होगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर। और अब जो लास्ट ट्रांजेक्शन होगी, लास्ट जनरल एंट्री होगी ना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर 2:2:1 में। तो इसकी जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 1,38,000 का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से तो पी का प्रॉफिट पता चल जाएगा जो कि 55,200 है, क्यू का प्रॉफिट भी 55,200 है और आर का प्रॉफिट 27,600 है। 1,38,000 मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो ये आर का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली यही चार एंट्री हमें करनी थी जनरल एंट्री। पहले एंट्री में हमने इनकरेक्ट प्रॉफिट को कैंसिल किया है, दूसरी एंट्री में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है, तीसरी एंट्री में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया है और चौथी एंट्री में करेक्ट प्रॉफिट को भी हमने क्रेडिट किया है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। तो यही हमें करना था, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।